हे गाइस, जैसे तुम सभी को पता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि यार RRC ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक मिल जाए। और तुम सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़ एफर्ट करो जिससे कि एक बार मॉडिफिकेशन लिंक मिल जाए, उसके बाद और एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल, राइट। तो जैसे देख सकते हो, इतना लंबा चौड़ा मैंने मेल किया था और हर दिन कर रहा हूँ, हर दिन कर रहा हूँ, हर दिन मेल किए जा रहा हूँ। तो RRB मुंबई ने एक रिस्पॉन्स दिया है, यू आर एडवाइज टू सबमिट क्वेरीज ऑन कैंडिडेट हेल्प डेस्क लॉग इन फॉर लिंक ऑन ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbmumbai.gov.in। अगर इस पे मैं करता हूँ तो ऐसा कोई, जैसे कि ये RRB मुंबई बता रहा है कि कैंडिडेट हेल्प डेस्क लॉग इन फॉर लिंक, ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब ये अच्छा बात है कि एटलीस्ट रेलवे ने रिस्पॉन्स तो दिया है, लेकिन इस रिस्पॉन्स का क्या फ़ायदा जब कोई आउटकम ही नहीं निकल रहा है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो इट्स गोइंग टू टेक लिटिल टाइम, वेट, हैव सम पेशेंस। इट्स टेकिंग फ्यू सेकेंड। जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो ये RRB मुंबई का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुआ है, और यहाँ पे मैंने बहुत सर्च किया, मैंने हर तरह से देखा, तो ऐसा कोई भी यू नो क्वेरी लिंक जैसे मेल में मेंशन था, वैसा कुछ भी मेरे को नहीं मिला। कॉन्टैक्ट अस में भी जाते हो तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन एज सच नहीं, हेल्प डेस्क का कोई भी यहाँ पे नहीं है। और RRB NTPC और सॉरी RRC ग्रुप डी का हेल्प डेस्क में जाते हो, अगर क्लिक करते हो तो उस पर वो बताता है कि हेल्प डेस्क क्लोज हो चुका है। वो मतलब ऑफ कोर्स वो हेल्प डेस्क तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही ओपन हुआ था ना, तो अभी तो वो भी ऑफ दिखा रहा है। तो एज सच कुछ भी नहीं मेंशन है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फो तक है, लेकिन एज सच लाइक हेल्प डेस्क फॉर क्वेरी एज सच कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी, ऐसा कुछ भी है ही नहीं है, तो उस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक पॉजिटिव ये है कि एटलीस्ट RRB मुंबई ने रिस्पॉन्स, कुछ जैसे रिस्पॉन्स RRB दे रहे हैं। तो कीप मेलिंग, ट्वीटिंग, और सबसे अच्छा तो धरना प्रोटेस्ट ही रहेगा यार। एटलीस्ट RRB को पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ आसपास में उतने बंदे एकोमोडेट नहीं हो पा रहे। अगर हो पा रहे तुम लोग सर, प्लीज़ करो यार, गो फॉर इट ब्रो। मैं भी ज्वाइन करूँगा, ऑफ कोर्स ज्वाइन करूँगा यार, देर इज़ नो रीज़न टू नॉट टू ज्वाइन इट, राइट। सो यही है रिस्पॉन्स यार। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट करो, जो जो बंदों को जो भी दिमाग में आ रहा है ना, कमेंट करो, पता तो चले क्या चल रहा है। देन ओनली वी कैन टेक एनी डिसीजन, वी कैन डू एनी थिंग फॉर इट, अदरवाइज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सभी अपना दिमाग लगाते हो, एफर्ट करते जाओ, प्लीज़ एफर्ट सभी बंदे करेंगे, प्लीज़ प्रॉमिस करो सभी बंदे एफर्ट करेंगे, राइट। तो चलो यार, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, सभी सब्सक्राइब कर लो, इसलिए क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा, मैं सबको मैं वीडियो बना के इन्फॉर्म करता रहूँगा जिससे कि अपडेटेड रहोगे, है ना। हैव ए ग्रेट डे।